हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू चारू। आज है टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे सभी टीचर्स को, मेरी सभी फ्रेंड्स को, मेरी लाइफ में उन सब मेंटर को, मतलब जिन लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे एडवाइस दिए, सिर्फ भाभी विश कर रहे हैं आपको हैप्पी टीचर्स डे। सो जाओ। जिनकी भी एडवाइस से मेरी लाइफ में बहुत हेल्प हुई है और जिन्होंने मेरी लाइफ में काफ़ी हेल्प किया है, वो सब मेरी लाइफ में एक टीचर का रोल मतलब प्ले करते हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे। वो देखो पीछे देखो, वो देखो तोड़ दिया बैट का मेरा, एट लिखा हुआ ना, वो देखो इसका डांस देख लो सुबह सुबह का। आप कर तिनक तिन ताना धाना ता दिन धुन धुन। चल मैं म्यूजिक दे दूँ, डांस कर। अभी छेड़ने की दे रही है इसको, रुक जाओ, अभी छेड़ दियो जरा, थोड़ा सा छेड़ दे। धूमता ना 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 धूमता ना ना ना। अरे डांस कर, क्या मंशा है तेरी, है क्या चाहता है सुबह सुबह? आज पता नहीं रात भर से ऐसे ही कर रहा है, आज बीच बीच में देखो ले लिया कुछ। अच्छा झुमके पहने गए तेरा, तो इसका ड्रामा तो चलता रहेगा। तो मैंने सबको टीचर्स डे विश कर दिया, जो भी मेरी लाइफ में एक गुरु की तरह आए हैं, और फ्रेंड्स, टीचर्स, मैम, मम्मी पापा, सब लोग, भाई बहन, सब लोग जिन्होंने भी मेरी हेल्प की है मुझे आगे बढ़ने में मेरी लाइफ में, सबको टीचर्स डे का विश। और अभी आज हम लंच वगैरह कुछ नहीं लेकर जाने वाले हैं, तो लंच का व्लॉग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज में भी हमारा बाहर लंच होने वाला है सभी टीचर्स के साथ। तो सबसे पहले देखो, मैंने नेल पेंट्स भी रात को ही लगा के रेडी कर लिया, और क्या मैं पहन, वो देखो इस चोर को पकड़ो, पहले चोर ने मेरी रबड़ ले ली। क्लिप कैसे लूँ मैं अब इससे, देखो भाग गया। तो चोर है ना, थोड़ा सा बात करते हुए देखा, आया और मेरी क्लिप लेके रबड़ वाली भाग गया। तो बहन गई उसे पकड़ने, और मैं आपको बता रही थी कि हाँ टीचर्स डे है, तो हम लोग शायद मेरी सब टीचर्स बाहर जाएंगे, पहले स्कूल जाना है उसके बाद बाहर जाएंगे, तो अभी तैयार होना भी बाकी है। और नेल पेंट मैंने रात को ही थोड़ी ऐसी लगा ली थी, कलाकारी कर ली, पता नहीं कैसी लग रही है, फटाफट जो भी छोटे मोटे काम है खत्म निपटा के, क्या हो गया यार, निपटा के मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे रेडी होके, मतलब क्या पहन के निकल रहे हैं। जल्दी से अपने काम निपटाती हूँ। हम लोग हो चुके हैं रेडी, और अभी बाद में दिखाऊंगी हम दोनों का पूरा लुक। जैसे सूट ही पहना है मैंने, कुर्ती पहनी है पैंट के साथ, और उसने फुल दुपट्टा सूट पहना है, और हम काफ़ी लेट हो गए हैं, तो हमको मतलब और ज़्यादा लेट ना होते हुए हम टाइम से पहले पहुँचेंगे, उसके बाद फिर मैं दिखाऊँगी। हम लोग सब निकल चुके हैं, सब बैठे, सब हेलो करो, हेलो हेलो, हाय गाइस, हाय गाइस, ये मेरी सबसे प्यारी सब्सक्राइबर है, हाय गाइस। तो अभी हम जहाँ पहुँचेंगे फिर मैं वहाँ पे बताती हूँ कहाँ जाए। तो हम लोग आ चुके हैं अभी बीकानेर के अंदर, और बाकी टीचर्स भी पीछे पीछे हैं, अभी पहुँच रहे हैं। बाहर बहुत गर्मी थी, अंदर आके बहुत रिलैक्स मिल रहा है। और मैम आए हैं वॉशरूम में, थोड़े अपने बाल संवारने, बैठे बैठे ऑटो में ही रिक्शा में उलझ गए थे। हम सब लोग बैठ चुके हैं और अपना अपना डिसाइड कर रहे हैं कि क्या किसको ऑर्डर करना है। तो यहाँ हम लोग आए हैं अभी अपना ऑर्डर देने के लिए, तो हम अभी अपने यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए आए हैं। सब अपनी अपनी अलग अलग डिश बना रहे हैं। मैंने तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आ चुका है तंदूरी प्लेटर, जो कि मेरी मैम ने ऑर्डर किया है, बट मैं भी इसको टेस्ट करने वाली हूँ, बहुत यम्मी लग रहा है देखने में। यहाँ पे आ चुका है मेरा वेजीज वाला पिज़्ज़ा, आ गए हैं हमारे मोमोज, खाओ खाओ खाओ, मैं भी खाऊंगी, मैं ट्राई करने वाली हूँ मोमोज। चटनी की कर रखी है इन्होंने, सॉस केचप मिला रखा है। मोमोज अच्छे थे पर चटनी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे सबका खाना हो चुका है और अब सब निकलने की तैयारी में हैं। तो खाना सबने खा लिया था, और यहाँ पे हमारी मैम का बर्थडे था, तो और टीचर्स डे भी था, तो दो केक यहाँ पे ऑर्डर किए मैम के बर्थडे के लिए और टीचर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए। ये रही हमारी मैम जिनका है बर्थडे, और यहाँ पे मैम कैंडल लगा रहे हैं फटाफट से, और बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे मैम कैंडल्स ब्लो कर रही हैं, फिर केक कट करेंगे, सब इतना एंजॉय कर रहे थे ना, बहुत मज़ा आ रहा था। फटाफट मैम ने केक कट किया, और केक ना बहुत यम्मी था,
मैंने वैसे थोड़ा सा ही खाया, पेट मेरा खाने से ही मतलब क्या ही बताऊँ, पिज़्ज़ा से इतना भर गया था, बट मज़ा आया बहुत। तो यहाँ मैंने अब केक ट्राई किया टेस्ट करने के लिए और मुझे केक काफ़ी अच्छा लगा, बट मैंने बहुत कम खाया क्योंकि पेट भरा था। बाहर आ चुके हैं सब लोग, अपना ऑटो कर रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं। और ये देखो डिफेंस कॉलोनी में है बीकानेर, अच्छा एम्बियंस था इसका काफ़ी। खाना भी कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। हाँ बल्ले 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 रहा। देखो यहाँ का बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा था, मैंने दिखाया नहीं था ये, रात को काफ़ी अच्छा है यहाँ पर बैठने का। तो बाकी बातें घर चल के करते हैं। हम लोगों ने कर लिया है ऑटो और आधे घंटे में मतलब 25 मिनट में पहुँच जाएंगे आराम से घर। उसका गुस्सा देखो गाइस, आप लोग देखो ये देखो इसके, इसे क्लोजअप वाले दांत देखो। गुराना जो इसका हो रहा है ना, वो प्यार लेने के लिए हो रहा, खुजली कराने के लिए, क्योंकि हम तुरंत जा रहे हैं चेंज करने के लिए, तो उसको खुजली करानी है। ये देखो प्यार खुजली, और ना तो जिद से लेगा, इतना दुष्ट बच्चा है, दुष्ट शरीफ नहीं है कोई, है गुड बॉय नहीं है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो अब बैठ के करते हैं आराम से बात, अच्छे से एंजॉय करके आ गए। सुबह से स्कूल में थे, एग्ज़ाम था, तो 12 बजे तक वहाँ टाइम निकाला, फिर 12:30 बजे के करीब हम लोग निकले। एक 1:30 बजे तक 1:30-2 तक हम फ्री हो गए थे। बीकानेर न्यू डिफेंस कॉलोनी में मतलब एक साल हो गया उसे खुले हुए, तो वो न्यू ट्राई करने गए थे। इससे पहले मैंने एक दो बार बीकानेर में गई हूँ, लाजपत नगर में भी है और एक जगह और गई हूँ, तो थाली ट्राई की, ये न्यू था। तो यहाँ पे मैंने तंदूरी प्लेटर का नाम काफ़ी सुना था कि वो बहुत अच्छा है, तो तंदूरी प्लेटर मैंने मतलब मैम ने किया, मेरी मैम ने, और मैंने पिज़्ज़ा जो कि बहुत बड़ी गलती करी, डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाती हूँ, पर पता नहीं मुझे क्या सूझी वहाँ पे पिज़्ज़ा लेने की, अजीब टेस्ट था पिज़्ज़ा का। तंदूरी प्लेटर में जो कबाब थे, आलू के थे, मटर के थे, किसके थे मुझे याद नहीं है, बट वो कबाब अच्छे थे, पनीर भी ठीक था। चाइनीज़ प्लेटर अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी मुझे, नॉर्मल था। तंदूरी प्लेटर अच्छा था और मैंगो स्मूदी अच्छी थी, लिक्विड जो ड्रिंक्स थी वो सारी अच्छी थी। ओवरऑल एम्बियंस तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ओवरऑल जो मैंने और बीकानेर के देखे अंदर में, अंदर से जाके उसके अकॉर्डिंग जो ये डिफेंस कॉलोनी वाले का अंदर से था ना, वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, एम्बियंस बैठने का सारी अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छी थी। बस चाइनीज़ प्लेटर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, बाकी चाट्स वगैरह सारी अच्छी थी, मज़ा आया, अच्छे से खाया सबने, सभी ने काफ़ी इन्जॉय किया। मैम का बर्थडे भी था जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, तो बस थक गए अब, चेंज करूँगी, रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, उसके बाद देखूँगी आगे क्या काम करना है। और ये व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, हाँ आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक करना इस वीडियो को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी टीचर्स डे अगेन।